राजनामा दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। हिंदी भाषा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने नाराजगी जताई है। शाह ने 4 अगस्त को एक बैठक में कहा था कि सभी राज्यों को हिंदी स्वीकार करनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को इस पर आपत्ति जताते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अमित शाह गैर हिंदी राज्यों पर जबरदस्ती हिंदी थोप रहे हैं। तमिलनाडु इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे और स्टेट भी इसका विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 अगस्त को अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सभी को बिना किसी विरोध के हिंदी भाषा स्वीकार करनी चाहिए। शाह ने यह भी कहा कि हिंदी बाकी भाषाओं के कंपटीशन में नहीं है। सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से ही देश मजबूत होगा। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्ना मलाई ने मीडिया से कहा कि एमके स्टालिन को न तो हिंदी ठीक से आती है और न ही अंग्रेजी, इसलिए वे ठीक से समझ नहीं पाए कि अमित शाह क्या कहना चाहते हैं। अन्ना मलाई बोले कि शाह ने ये साफ कह दिया, सभी राज्यों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।